तो ये पूरा सफर, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूपी एटीएस के शिकंजे में सीमा हैदर किस तरीके से है। देखिए, बीते 6 घंटों से लगातार उससे पूछताछ हो रही है। सचिन मीणा भी सीमा हैदर के साथ मौजूद हैं। कल सीमा से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज भी एटीएस की टीम सीमा से लगातार सवाल कर रही है, कई महत्वपूर्ण सवाल जिसके जवाब सीमा को देने होंगे यहां पर। और इन्हीं सवालों के शिकंजे में फिलहाल सीमा हैदर घिरी हुई दिखाई दे रही है। 6 घंटे हो चुके हैं, दूसरा दिन आज पूछताछ का। एटीएस ने कल पहली बार पूछताछ की थी 10 घंटे तक, और उसके बाद आज फिर से पूछताछ के दायरे में है। सचिन मीणा भी सीमा हैदर के साथ इस वक्त मौजूद है। सीमा जो इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रश्न सभी के लिए बनी हुई है कि क्या सीमा एक बड़ा खतरा भारत के लिए है। बहरहाल आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सबसे पहले मेरे कुछ सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं कि करके मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उनसे जानकारी लेंगे। देखिए, आप यहां पर देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मदीहा है, अभिषेक उपाध्याय है और साथ ही हमारे साथ संजय भी है। सबसे पहले मदीहा, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, और हमारे साथ पाकिस्तान से जमीर अली भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, हम वहां पर भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मदीहा, आपके साथ शुरुआत कर लेती हूं, पूछता है 6 घंटे आज दूसरा दिन। बिल्कुल, 6 घंटे हो गए हैं जब सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है, और पूछताछ चल रही है नोएडा के एटीएस दफ्तर में जो कि सेक्टर 58 में है। अब बड़ी बात मैं आपको इसमें बता दूं, 6 घंटे हो गए पूछताछ के लिए, सुबह 10 बजे से ये पूछताछ चल रही है। करीब 9:45 बजे के वक्त था जब रबुपुरा गाँव में एटीएस के कर्मी पहुंचते हैं और वो एटीएस के जवान जो है सीमा हैदर को वहां से लेके आते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। सचिन मीणा एटीएस के पास ही होता है और पहले उन्हें अलग अलग जगह बिठा के पूछताछ की जाती है और फिर साथ में बिठाकर भी पूछताछ की गई। अब यहां पर सवाल ये भी है कि जो पूछताछ में निकला क्या, अब निकला ये पूछताछ में कि जब जब भी सीमा हैदर से सवाल किए गए, वो सवाल जिनका जवाब अभी एटीएस ढूंढ रही है, तो सीमा हैदर ने ज्यादातर सवालों के यही जवाब दिए कि ये इश्क और मोहब्बत में सचिन की उसने ये कदम उठाया। तो यानी कि एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, लेकिन एटीएस हर तरह से जांच जो है वो कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि एटीएस एसएसपी जो है वो खुद पूछताछ सीमा हैदर से कर रहे हैं इस वक्त। जी ठीक है, बताइए, आप रहिए मेरे साथ, मैं अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक भी सीमा के घर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आप वहां पर हैं, क्या कुछ अभी देख पा रहे हैं? एक तरफ पूछताछ, उसके बाद घर पे कौन कौन अभी मौजूद है, वहां से कोई और जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, घर पे जो हमारी जानकारी है वो सचिन की माँ घर पे हैं, उसके परिवार के कुछ और बुजुर्ग घर पे हैं, लेकिन सीमा, उसके बच्चे सचिन और सचिन के पिता, ये सब उसी पूछताछ की प्रक्रिया में हैं और घर बंद है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। एक भाई निकला था जिसने कि हमसे बात की थी, बाकी लगातार घर दरवाज़ा वो बंद है। आसपास के जो लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और हमने बात की जहाँ पर सचिन सीमा सबसे पहले रुके थे, उस मकान मालिक ने बताया कि उसको भी इन दोनों ने गुमराह किया था। तो बात वही सामने आ रही कि गुमराह करना, झूठ बोलना, फर्जी तथ्य सामने रखना, और इसीलिए एटीएस इन कड़ियों को सुलझाने में लगी हुई है। शिरीन, ठीक है, मैं आप लोगों के पास फिर से लौटूंगी क्योंकि इस बड़ी खबर पर बातचीत करना जरूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।